अस्सलाम वालेकुम प्लेग्रोथ। आज हमने इंग्लिश प्रिंटेड कॉपी का काम करना है। इंग्लिश फर्स्ट टर्म की प्रिंटेड कॉपी, अभी हमारे इसमें 3 to 4 पेजेस रहते थे तो वो हमने राइट करने हैं, ठीक है। और हमने पेज नंबर 44 यानी जी तक उसको सॉल्व किया हुआ था। आगे आपने पेज नंबर 44 आज स्टार्ट करना है। पेज नंबर 45 पे आज आपने इसको राइट करना है। और पेज नंबर 45 पे आपको फुल डॉट्स पे ए से लेके जी तक आपको लेटर्स दिए गए हैं और इन लेटर्स पे आपने राइट करना है। उससे पहले आपने मामा से कहना है कि आपको डायरी में जिस दिन भी ये काम सेंड किया जाएगा उस दिन की आपने ऊपर CW लिख देना है। उस दिन की डेट लग जाएगी मामा स्कैनर, और उस दिन के आपका डे यहाँ पे मामा स्कैनर राइट कर दें, ठीक है। प्रैक्टिस द फॉलोइंग लेटर्स, यहाँ पे आपको ये सारे जो फुल डॉट्स पे लेटर्स दिए गए हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है इनके ऊपर। चलें शुरू करते हैं हम ए से। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, ए ए बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग। चलिए शुरू करते हैं। हमने ए यहाँ से मूव करते करते ये ऊपर जाना है 60 में, और फिर वापस ही नीचे हमने 60 में आ जाना है, ठीक है। और ये मिड लाइन लगा देनी है ए ए ए, नीचे से मूव करते करते ऊपर जाना है, यहाँ पे ऊपर से मूव करते करते नीचे आ जाना है, ठीक है। और ये हमने मिड लाइन लगा दी ए। नेक्स्ट लेटर इज बी, स्ट्रेट आपने लाइन लगानी है, फिर उसका फर्स्ट वैली बनाना है। ऊपर वाला इसका छोटा वैली होता है, नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा वैली होता है। बी ब, स्ट्रेट आपने लाइन लगानी है नीचे तक, फिर ऊपर का वैली बना दिया, छोटा वैली है इसका, फिर एक और वैली बना दिया, थोड़ा सा ये बैली बड़ा है। बी ब, नेक्स्ट लेटर इज सी, सी से ये ऊपर जाना है और ये राउंड बनाना है यहाँ से, और ये इस डॉट पे आके मिला दें। सी ख, बहुत प्यारी राइटिंग में आपने राइट करना है। सी ख, नेक्स्ट लेटर इज डी, स्ट्रेट आपने लाइन लगानी है, फिर आपने ये इसके थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना है और ये इसका डी का बैली बनाना है ऐसे। डी ड, स्ट्रेट लाइन लगाई, ये आपने इसका बैली यहाँ पे बना दिया। डी ड, नेक्स्ट लेटर व्हाट कम्स आफ्टर डी, ई, स्ट्रेट लाइन लगाई, फिर उसके आपने वन टूथ बनाया, टू टूथ बनाया, थ्री टूथ बनाया। ई ए, स्ट्रेट लाइन लगाई, वन उसका टूथ बना दिया, टू टूथ बना दिया, थ्री टूथ बना दिया। आप इसको टूथ बोल लें, आप इसको जो है लेग्स बोल लें, आप इसकी स्टिक्स बोल लें, वट एवर यू वॉन्ट। ई ए, वट कम्स आफ्टर ई एफ, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट टूथ, सेकेंड टूथ, एफ, स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट टूथ, सेकेंड टूथ, एफ, व्हाट कम्स आफ्टर एफ, एफ के बाद क्या आना है, जी, ये आपने इसको जी करना है, सी की तरह से आइए, ठीक है। ये जी करते करते ये सीधी लाइन अंदर गए, वापस बाहर आए, फिर नीचे आ गए। जी ग, अगेन राइट करेंगे, सी की तरह से राइट करना है इसको हमने।
ये ऊपर आए, अंदर गए, बाहर आए, फिर नीचे आ गए। जी ग ए ए बी ब सी ख डी ड ई ए एफ जी ग ए बी सी डी ई एफ जी। अब आपने इसको अच्छे से इसको राइट करना है और फिर अच्छे से इसको लर्न भी करना है, साउंड्स को भी लर्न करना है आपने साथ साथ। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो है इनसर्कल द करेक्ट बिगिनिंग लेटर ऑफ द पिक्चर। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उन पिक्चर्स के नीचे आपको यहाँ पे ये लेटर्स दिए गए हैं। इन पिक्चर्स का जो भी फर्स्ट लेटर है, बिगिनिंग लेटर आता है, उसको आपने सर्कल करना है और सर्कल आपने कलर से करना है, कलर से काम अच्छा होता है। ठीक है, चले हम सबसे पहले पिक्चर्स के नेम पढ़ लेते हैं। कैट, कैट, गर्ल, गर्ल, फ्लैग, फ्लैग, पाकिस्तान का जो झंडा होता है ना, मतलब झंडा हर मुल्क के ही झंडे को फ्लैग बोलते हैं। ये वाला जो है जिसमें चांद सितारा बना हुआ है, ग्रीन एंड वाइट कलर का होता है, पाकिस्तान का होता है। ठीक है, एग, एग। चले हम देखते हैं सी ख खैट। सी का बिगिनिंग लेटर क्या आता है, चले खैट। देखिए इसमें ये बी है, क्या इसमें ब जैसी आवाज आ रही है? नो। सी ख, यस, सर्कल सी। नेक्स्ट इज आपको दिया गया गर्ल, बी ब गर्ल। नो, इसमें ग जैसी आवाज ही नहीं आ रही बी में, तो ही है डी ड। अब डी ड गर्ल में आवाज ही नहीं है। जी ग गर्ल, यस, सर्कल जी, जी ग गर्ल। नेक्स्ट आपको दिया गया फ्लैग, फ्लैग, एफ, फ्लैग, सर्कल एफ। लास्ट आपको पिक्चर दी गई है एग, ई ए एग, ई ए एग। चलिए एक दफा दोबारा हम पिक्चर्स पढ़ेंगे। सी ख कैट, सी ख कैट, जी ग गर्ल, जी ग गर्ल, एफ फ्लैग, एफ फ्लैग, ई ए एग, ई ए एग। अब आपने ये सारे पिक्चर्स को अच्छे से लर्न करना है और पेज नंबर 45 सॉल्व करना है फर्स्ट टर्म की प्रिंटेड कॉपी का। अल्लाह हाफिज़।